नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस अनुभव यात्रा का आज अपना दिन है 92, गुरुवार 5 अप्रैल 2018, सहजपुरा से नरसिंहपुर, करेली से बटेसरा। हम प्रातः 4:45 पर आसन छोड़कर जाग गए। अभी सारा आश्रम शांत सोया हुआ है, केवल वो बाबा जी जाड़ बुहार करने में व्यस्त है। हमने जाकर स्नान किया और फिर प्रातःकालीन पूजन की। इसके बाद हम इन बुर्जुक दंपति को सांत्वना और दिलासा दे नरसिंहपुर की दिशा में नर्मदे हर करके चल पड़े। 2 घंटे चलने के बाद हम दादाजी मंदिर जंक्शन पर आ गए और फिर मंदिर के दर्शन कर आगे बढ़े। यहाँ पर एक वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले भैया ने मुझे चाय प्रसाद दिया और इस दुकान से बमुश्किल 50 कदम चलने पर एक ढाबा चलाने वाले पंजाबी सरदार जी ने हमें उनके ढाबे पर निमंत्रित किया। हमारे बहुत मना करने पर भी उन्होंने मुझे चाय प्रसाद और रवि जी को दही शक्कर दिया। मैया की लीला भी कैसी अजीब है, यही सब हम इस दौरान सोचते रहे। हम आगे बढ़ने को तैयार हुए, फिर भी ये सरदार जी हमें जाने नहीं देना चाहते हैं। बहुत ही स्नेह से उन्होंने हमें रोके रखा। करीब 25 मिनट हम उनके ढाबे पर रहे। फिर आगे बढ़ने और धूप बढ़ने से चलने में होने वाली कठिनाई का हवाला देकर हमने इनसे अनुमति ले नर्मदे हर करके चल पड़े। निकलते समय इन्होंने हम दोनों को 10-10 रुपये ऐसे दक्षिणा भी दी। धीरे धीरे नरसिंहपुर शहर नज़दीक आने लगा, पर हमने शहर में ना जाकर बाईपास सड़क पर जाना उचित समझा और उसी पर हो लिए। साथ ही सड़क के आसपास कोई भी वृक्ष छाया हेतु नहीं है, अतः बहुत ही थकाने वाली पदयात्रा आज जारी है। ऐसे ही चलते हुए सड़क की दूसरी ओर के एक होटल के मालिक हमें नर्मदे हर कर बुलाने लगे। पहले तो हमने सोचा ये हमसे नर्मदे हर कर रहे हैं, तो हमने भी उनको प्रति उत्तर दिया, पर वे हमें उनके होटल में आमंत्रित कर रहे थे। सावधानी से उस चौड़ी सड़क को पार कर हम उनके निकट पहुंचे। यह है श्री मेहरा बंधु तथा इनके होटल का नाम है ग्रीन पार्क होटल, नरसिंहपुर बाईपास। बहुत ही आदर और स्नेह से वे हमें अंदर ले आए और आज यही रुकने की प्रार्थना करने लगे। इनके होटल में मैरिज गार्डन जैसी भी व्यवस्था है, अतः कमरे आदि भी बने हुए हैं, पर हमने हमारी दिक्कत उन्हें बताई और आगे बढ़ने का मानस प्रदर्शित किया। इनके अत्यधिक आग्रह पर हम एक बार पुनः 30 मिनट रुकने और भोजन प्रसाद ग्रहण करने हेतु राजी हुए। उन्होंने हमें घर जैसा ही व्यवहार दिया, सारा परिसर दिखलाया तथा स्वयं के हाथों से दोनों भाइयों ने भोजन प्रसाद बनाया। परिक्रमावासियों और मैया के प्रति इनका समर्पण प्रशंसनीय है। हमारी रुचि के अनुरूप ही भोजन इन्होंने हमसे पूछकर बनाया। इनके भतीजे भोपाल से ही इंजीनियरिंग के फाइनल वर्ष के छात्र है, तो उनसे भी हमने फोन पर बातें की। इसके बाद हम भोजन प्रसाद हेतु बैठे। हमारे आग्रह पर भी वे दोनों भाई हमारे साथ भोजन हेतु नहीं बैठे। बहुत ही स्नेह और अत्यधिक आग्रह से उन्होंने हमें भोजन परोसा। भोजन में रोटी चावल, दाल फ्राई, आलू की सब्जी, सलाद और मीठा दही ऐसे व्यंजन थे। भरपेट भोजन से संतुष्ट होने के बाद पुणे के एक पूर्व परिक्रमावासी बंधु से भी इन्होंने हमारी बात करवाई, साथ ही हमारे कुछ फोटो भी लिए। बहुत समय तक बातें करने और विश्राम के बाद हमने उनसे आगे बढ़ने की अनुमति चाही, जो उन्होंने भी हमारी मजबूरी समझ थोड़ी उदासी से दे दी। उनका बहुत मन था कि आज हम यही रुके, पर हमारा आगे बढ़ना भी अनिवार्य है। करेले में किसी युवक के यहाँ हम रात्रि में रुकेंगे, ऐसा उन्होंने हमें बताया, क्योंकि अक्सर यहाँ से जाने वाले वहीं पहुँचते हैं।
और वे युवक भी काफी श्रद्धा से परिक्रमावासियों की सेवा में रत है, आदि जानकारी भी इनसे हमें मिली। आपस में फोन नंबर, नाम पता आदि लेन देन के बाद नर्मदे हर कर इनसे एक शनैबंध का निर्माण कर हम करेली की दिशा में चल पड़े। अभी समय हुआ है दोपहर के 12:45। इस होटल परिसर में हमने 2 घंटों से अधिक का समय व्यतीत किया। तेज धूप है, अतः रुकते हुए ही चल पा रहे हैं। आज सुबह से सारे दिन का ही प्रवास धूप का रहा और हमने काफ़ी थकान अनुभव की। दोपहर 3:30 बजे हमने एक दुकान से फ्रूटी खरीद कर पी। इसी दौरान मैंने रवि जी से कहा कि अगर हम किनारे से चल रहे होते तो इस तरह बाजारू चीज खाने और 2 बजे के पैसे खर्च करने से हम बचते। साथ ही किनारे चलने से हमारा ध्यान भी मैया की भक्ति में अधिक और सांसारिक प्रलोभनों में कम जाता। मेरी बात को शायद वे कुछ गलत समझे और इस कारण हमारे बीच कुछ कहासुनी भी हो गई। रवि जी का कहना है कि मेरी परीक्षा की समय सारणी आ जाने की वजह से ही हमने अब सड़क सड़क चलने का निर्णय किया है और यह सारा दिन तेज धूप में चलने की वजह से हमें ऐसे पेय पदार्थ या बिस्किट, नमकीन आदि का सहारा लेना आवश्यक ही है, वरना हम बीमार भी हो सकते हैं और किनारे से गए तो विलंब भी हो सकता है। आज के इस झगड़े में दोनों ने कुछ समझदारी का परिचय दिया और बातों को कम ही तुल दे जल्दी ही समाप्त की। ऐसे ही मौन और चुप्पी लिए हम एक दूसरे से करीब 100 मीटर का अंतर रखकर चलते रहे। इस हाईवे से गुजरती एक कार ने अचानक ही रुककर हमें 100 रुपये दक्षिणा स्वरूप दिए। नर्मदेहर करके हमने उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया। इस घटना से ऐसे लगा मानो मैया ने तत्काल ही हमें यह बताया कि तुम्हारे खर्चों का ध्यान इस सड़क पर भी मैं ही रख रही हूँ, तो 2 बजे छोटे बच्चों की भांति लड़ाई मत करो नर्मदे हर। मेहरा जी ने हमें बताया था कि हम करेली में भी बाईपास सड़क का आधार ले और नगर में ना जाए। उसी हिसाब से हम बाईपास पर चलते हुए नगर के किसी बाहरी भाग में आ गए। यहाँ पर एक सज्जन ने हमें चाय प्रसाद लेने हेतु आमंत्रित किया, जो मैंने पाया। इन्हें नर्मदे हर करके हम अगले गांव की दिशा में आगे बढ़े। अब हम भोपाल जाने वाले पुराने हाईवे पर चल रहे हैं। करेली नगर में आगे एक व्यक्ति हमें मिले जो हमसे खुले पंडाल में ही रात्रि विश्राम हेतु रुक जाने की प्रार्थना करते, पर यहाँ पानी का भी कोई साधन पास में नहीं है, तो हमने उन्हें हमारे आगे जाने के विषय में बताया। उनका कहना है आगे कोई व्यवस्था नज़दीक में नहीं है, पर अभी करीब 30-35 मिनट चलने हेतु और शेष समय है। साथ ही हम आज सारा दिन बहुत ही कम चले हैं, इसीलिए उनसे नर्मदेहर करके हम आगे बढ़े। यहाँ आज पुनः हमने हमारी अकल चलाई है तो कुछ दिक्कत तो होनी तय है, क्योंकि परिक्रमा में हमारा अनुभव रहा है कि जब भी हमने हमारी होशियारी दिखाई कुछ न कुछ समस्या का हमें सामना करना ही पड़ा। चलते हुए हम अगले गांव में आ गए। नाम है बटेसरा। पूछने पर जानकारी मिली कि यहाँ रुकने हेतु कोई स्थान नहीं है। मंदिर है जो खुला हुआ ही है, पर उसका चैनल गेट बंद है, जो पंडित जी शाम की आरती के समय 7 बजे के करीब खोलेंगे। बाकी हम चाहे तो सड़क किनारे ही बने खुले मंच पर खुले मन से रुक सकते हैं। पीछे रुकने हेतु पंडाल था और यहाँ तो छत भी नहीं है। पानी के साधन के विषय में पूछने पर पता चला पास के ही एक घर में हेडपम्प है, तो उस घर से अनुमति ले हम वह हाथ पाँव मुँह धो सकते हैं। हम सामान सहित उस घर के आंगन में आ गए, जो 15-20 कदम की दूरी पर ही था। उन्होंने शहर से हमें हेडपम्प के उपयोग की अनुमति दी, साथ ही बिजली का पंप भी चला दिया ताकि हम ठीक से स्नान कर पाए। रवि जी ने उनसे पूछ उन्हीं के आंगन में संध्याकालीन पूजा करने की अनुमति ले ली। अब अंधेरा हो गया है, ऐसे में सड़क के उस मंच पर हम रात में सोने ही जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। शांत भाव से हमने माई की आरती की और परिवार के उपस्थित जनों को प्रसाद दिया। गृहस्वामी के पुत्र का कहना है हम चाहे तो यही आंगन में ही रात्रि विश्राम हेतु रुक सकते हैं। हम भी हर्षित हो तैयार हो गए। माताजी ने आकर रात्रि के भोजन प्रसाद के विषय में पूछताछ की।
पर संकोचवश हमने मना किया। हम सभी बातें करते बैठे रहे, तभी असाना की पड़ोस के घर से हो हल्ले का आवाज़ आया। कुछ समय बाद पता चला कोई सांप निकला था, जिस वजह से ये हल्ला हुआ था। अब तो सारी रात ऐसे ही जमीन पर खुले आकाश के नीचे सोना है तो सांप बिच्छू से क्या डरना। ये सारी बातें सोचते हुए खुद को समझाने का प्रयास किया, तभी माताजी हम दोनों के लिए दो थाली में भोजन प्रसाद ले आई और अधिकार वाणी से हमें ग्रहण करने हेतु आग्रह किया। ये माँ की ममता और हमारे प्रति उनका स्नेह ही है। उन्होंने ये भी बताया कि वे अमरकंटक आदि स्थानों पर जाकर आई है, अक्सर परिक्रमावासी इन्हीं के घर आकर रुकते हैं, ऐसी जानकारी भी इन्होंने दी। तब हमने सोचा मैया ने योग्य स्थान पर ही हमारे स्वयं के रुकने की व्यवस्था की है। रात्रि के भोजन प्रसाद में हमने रोटी चावल, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद पाया। सारे कार्य निपटाकर हम निवृत्त हुए और फिर परिवार के सदस्यों के जाने के बाद वही जमीन पर दरी बिछाकर लेट गए। आज का हमारा विश्राम स्थान यही है। हमने पुनः एक बार तय किया कि अकारण ही किसी भी बात पर हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और फिर एक दूसरे को नर्म देहर कर हम शांति से सो गए। जैसे जैसे परिक्रमा समाप्ति की ओर बढ़ रही है, मैया की हम पर कृपा की हम विविध अनुभवों से अनुभूति पा रहे हैं और इस कारण स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रहे हैं। माँ रेवा सदैव ही हमें उनके श्री शरणों में स्थान दे, यही भाव मन में ले आंखें बंद हुई नर्म देहर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।